गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, काफी आपकी रिक्वेस्ट के बाद हमने आपके जो वीडियो के व्यूज हैं वो अनलिमिटेड कर दिए हैं कि भाई अनलिमिटेड व्यूज अब आप देख सकते हैं उसके अंदर, जब तक आपकी वैलिडिटी है। और साथ के साथ देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 18 का कैलेंडर आ गया है और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है, यानी जून के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाने की, ठीक है, यानी सारा कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी देने की। और उम्मीद करते हैं कि आपका एक कोर्स अच्छा चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। साथ के साथ हम देखिए लाइव सेशन के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ों को स्पीडिंग कैसे करना है। अब जैसे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, यानी एग्ज़ाम आपका जून में है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी रखनी पड़ेगी। आप प्रिपरेशन के लिए देखिए कुछ एक खास चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह खास नहीं बनानी है, अप्रैल के बाद टेस्ट सीरीज बनाइएगा जब आपके पास कुछ पहुंच जाए। अगर अभी से बनाएंगे तो देखिए वो बात ठीक नहीं रहेगी, वो बेकार सौदा रहेगा। इसके अंदर आपका ये है कि आपको चीज़ें पता नहीं है, पर फिर भी आप टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी स्पीड कितनी है। पहले चीज़ों को जानिए अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद उन चीज़ों को लगाइए। तो पहले सबसे पहले कंटेंट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का आज ही बन जाएगा। आज बात हो गई है मेरी अपनी टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने बताया कि आज बन जाएगा, कल तक आपका व्हाट्सएप ग्रुप रेडी रहेगा सब बच्चों के लिए, ठीक है। कोशिश करिए उसमें डाउट मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुँचने की और एक दूसरे के डाउट क्लियर करने की। मेरे को टाइम मिलेगा मैं भी क्लियर करूँगा उसके अंदर, पर आप भी कोशिश करिए मैक्सिमम डाउट उसके अंदर डिस्कस करने की, ठीक है। बाकी देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर थोड़ा मैं पहले फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, हाँ रूटीन भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही आपको पढ़ना है। आज हम वही सेम चीज़ करेंगे, इंस्पेक्टर 40 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि कैलकुलेशन आपको किस तरीके से मिनिमाइज करनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उसे डेली बेसिस पे लगा रहे होंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ी फ्रैक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन देखेंगे कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है। अब फ्रैक्शन अगर आप देखें तो दो तरीके के भिन्न होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम कई बार मिक्स भी कह देते हैं। जो आपकी फ्रैक्शन इस तरीके से होती है इसे आप प्रॉपर कहते हैं, जो आपकी फ्रैक्शन इस तरीके से होती है इसे आप इम्प्रॉपर यानी मिक्स भी कहते हैं। अब हम आज की क्लास में, आज के सेशन में इसी पे ही काम करेंगे। आपको केवल यही देखना है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन हमें किस तरीके से करना है, और वो चीज़ें टिप्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। देखिए एक फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है 3/1/4, इसको आप दो नजर से देख सकते हैं। पहली जो नजर है वो ये है 3+1/4, एक नजर ये है कि 4×3+1/4, ये दोनों ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस चीज को मैं आगे काफी जगह इस्तेमाल कराऊंगा, तो आपको ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है। इसको आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं और इसी को आप गुणा करके प्लस करके भी लिख सकते हैं। अब इसी पे बेस हम थोड़ी कैलकुलेशन देखेंगे। अगर कैलकुलेशन मैं देखता हूँ तो देखिए ये सब तरीके की कैलकुलेशन है जो हमें मिल सकती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के साथ। देखिए फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी हैं और इन फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे करना किस तरीके से, फिर हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में यानी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे, 20-25 क्वेश्चन लेंगे, जो आपको रिप्लाई करके मेरे को बताना है कि इसका जवाब ये आएगा और इसका जवाब ये आएगा। सबसे पहले फ्रैक्शन जब भी हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं या एलसीएम लेते हैं इन दोनों का।
इसको आप गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, फिर आप करते हैं 7 × 3 और 8 × 6 और इसे आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब देखिए आपको करना क्या है, नीचे वाले पार्ट को बाद में सॉल्व करना है, पहले ऊपर वाले को करना है। 7 × 3 = 21, 8 × 6 = 48, 21 और 48 हो गया आपका 69 और नीचे 56, ये आपको सीधा लिखना है। तो यानी इस टाइप का फ्रैक्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट पहले ऊपर वाला देखिए मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 21 और 48 = 69, 69 आ गया और नीचे आ गया 56। इसी को मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ इधर। अब आपने देखा पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है, 18 - 14 बचा 4, 7 × 3 = 21, तो ये आपको सीधा लिखना है। इसके अंदर बीच वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो सीधा ही कर सकते हैं, 35/33। डिवीजन होता है तो डिवीजन का मतलब देखिए, इसका मतलब यह है कि इधर वाला इससे गुणा होगा और इधर वाला इससे गुणा होगा, ठीक है। तो 11 × 6 = 66, 7 × 5 = 35, ये आप लिख सकते हैं इसे। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है और इस चीज को केवल दिमाग में करना है, तुरंत करना है। ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, इसी चीज के अंदर मिक्स में क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि यहां लिखा है 4 सही 3/7 और 5 सही 2/8। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब ये है कि बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब यही है। अगर आप देखते हैं इंटीजर को आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आप इंटीजर को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं इसलिए उसे लिखना नहीं है, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, भिन्न को। 8 × 3 = 24, 7 × 2 = 14, 8 × 3 = 24, 7 × 2 = 14, 24 और 14 हो गया 38 और नीचे आ गया 56 और ये क्या लिखा है, 5 और 4 = 9, तो 9 सही 38/56, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप अगेन देखिए, सब चीजों के अंदर मेन रोल इसका ही आता है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन कैसी है। अगर आप देखते हैं 4 + 5 = 9, 9 मैं अलग रखता हूं, इसे मैं अगर देखता हूं 8 × 3 = 24, 7 × 2 = 14, 24 और 14 हो गया 38, 7 × 8 = 56 मैंने सीधा लिख दिया, तो 9 + 38/56 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इधर देखता हूं, ये मैं हटा देता हूं, अब देखिए 9 1/8 - 2 4/8, अगर आप देखते हैं इसे भी आप कैसे लिखते हैं। देखिए मेन बात यह है कि पहले आपको ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि विजुअलिटी क्या है इसकी, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 4 गया -3/8, ये आ गया 7 - 3/8। अब -3/8 है तो -3/8 को घटाना है, 8 में से 3 घटाना है यानी 5/8 बचेगा और ये एक कम हो जाएगा, 6 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आपने देखा अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं इसको डायरेक्ट देखता हूं, डायरेक्ट देखने के लिए मैंने क्या करा, देखिए इंटीजर पार्ट को अलग रखिए, फ्रैक्शन वाले को अलग। अगर मैं 1/8 में से 4/8 घटाता हूं तो बचेगा -3/8, वो -3/8 किस में से घट सकता है, 1 में से घट सकता है, तो 1 में से आप 3/8 घटाएंगे तो बचेगा 5/8, तो 5/8 तो फ्रैक्शन आएगी और जो नंबर आएगा 9 और 2 = 7 हो गया, क्योंकि आप एक इसमें से पहले ही ले चुके हैं, तो 6 सही 5/8 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको इस तरीके से करना है, लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है। आगे देखिए 5 1/4, 1 1/3, क्योंकि ये गुणा में है तो सबसे पहले ये करना है कि ऊपर वाले को गुणा करना है, फिर नीचे वाले पे फोकस करना है। अगर मैं ऊपर वाला देखता हूं, केवल ऊपर वाला नंबर ध्यान रखना, नीचे वाला भूल जाइए, 20 21 और 4, 21 4 = 84, नीचे आ गया 12, 7 आंसर हो गया, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से बता देता हूं, केवल इसी पे फोकस करना है, पहले ऊपर वाले पे फिर नीचे वाला गुणा करना है,
आगे देखिए, 5 1/4 × 1 1/3, 5 चौक 20 और 1 21, 21 दिमाग में आ गया, 3 एकम 3 और 1 4, 4 दिमाग में आ गया, 21 चौक 84, नीचे 12, तो आंसर आपका 7 आ गया। ऐसे आगे करते हैं, अगर मैं यहाँ देखता हूँ डिवीजन के अंदर, सेम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ था। अगर मैं देखता हूँ इसके ऊपर वाला पार्ट क्या आ गया, 7 आ गया, और इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, 2 है, तो 7 × 2 = 14 हो गया, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, और ये नीचे वाला पार्ट, क्योंकि ये मल्टी, अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी होता है तो ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 7 × 2 = 14, ऐसे ही आपने देखा नीचे 3 है, यहाँ आ गया 15, तो 15 × 3 = 45 हो गया, तो 14/45 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए सेम चीज को मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर आप ऐड करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और 2 3/4 + 5 1/4, अगर मैंने ये ले लिया, केवल फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखिए क्या हो गया, 1 हो गया, 5 2 7 और 1 8, ये 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगला देखता हूं, 2 1/3 - 1 1/4, ये आ गया। माइनस करते वक्त मैं क्या देखता हूँ, फ्रैक्शन वाला पार्ट अगेन, इसमें से ये जाएगा, 4 - 3 1 आ गया, और नीचे क्या आएगा, 12 1/12, इंटीजर में से इंटीजर गया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं अगर आगे देखता हूँ, अगर आपने देखा 4 1/3 × 5 1/2, अब मल्टीप्लाई में है तो पहले ऊपर ऊपर वाला पार्ट देखना है, 12 और 1 13, 10 और 1 11, 13 × 11 143/6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पहले छोटी छोटी चीजें पकड़नी है, फिर वही चीज आपको बड़ी रास्ता आसान कराएगी, बड़ा रास्ता, पहले छोटी पे काम करना है। अगर यहीं पर ही मैं डिवाइड लगा देता हूं, डिवाइड में मैंने बताया था क्रॉस होता है, ये इससे और ये वाला इससे, ये 13 आ गया, ये 2 यानी 26, ये 5 × 2 = 10 और 1 = 11 आ गया, 11 × 3 = 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यानी 26/33 आ जाएगा आपका। तो यानी फ्रैक्शन के अंदर आपको इस तरीके से ही काम करना है, और सारी चीजें दिमाग में करनी है। मैंने जो चीज़ आपको बताई है उसमें कैलकुलेशन देखिए माइंड में करी है, केवल आंसर लिखा है। तो अब मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें लिखूंगा और आपको आंसर बताना है। देखिए एक एक करके मैं पूछूंगा आपसे और आपको सभी का आंसर बताना है।
ठीक है, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा और आपको सभी का जवाब देना है। देखिए, मोमेंटली रिएक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हम अभी तक के लाइव सेशन में करते आए हैं। आपको सारी चीजें वो बतानी है जो हमको यहाँ कराई जा रही है, तो इन सब चीजों पे आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए तुरंत आपको आंसर बताना है, मैं मार्क करूंगा और आपको आंसर तुरंत बताना होगा। अगर आपसे ये पूछता हूँ ये कितना आएगा, ये बताइए कितना आएगा। ये बताइए कितना आएगा, 7/8 -3/8। वन बाई टू, वन बाई टू। देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, तुरंत रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। इन सभी क्वेश्चन के अंदर आप पेन रख के बैठिए। देखिए जो सेशन होता है ना, आपका मेनली फोकस ये रहता है कि आप स्क्रीन पे देख के आपका दिमाग कैसे चलता है, तो स्क्रीन पे देख के आपको रिस्पॉन्स करना है। 7 - 3 चार, 4/8 यानी 1/2, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अगला पूछता हूं आपसे, ये बताइए कितना आएगा, छठा आपको बताना है। सिक्स बताना है आपको, देखिए सही बताना है और दिमाग से बताना है। आप ए बी सी डी लिख दिए, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड। देखिए जितने भी क्वेश्चन करेंगे कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से पेन नहीं लगाना आपको, अगर पेन लगाए तो देखिए मामला खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। हाँ सी आएगा, देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचेगा मेरे पास। 7/10, 1/10 यानी 6/10, यानी 1 सही 6/10 यानी 1 सही 3/5, तो 1 सही 3/5 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करना है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, डायरेक्ट ही करना है बिल्कुल। अगर मैं ये वाला पूछता हूँ, ये 3/8 है, ये 5/12 है, फाइव बाई ट्वेल्व -3/8। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करना है, देखिए बी आएगा, बी आएगा। बी देखिए ज्यादा काम नहीं करना आपको, ए बी दिमाग चलाना है स्क्रीन देखकर, और ए बी सी डी आंसर टाइप करना है बस। हाँ बी आएगा। देखिए अगर मैं देखता हूँ, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको और आगे भी कोशिश करिए ऐसे ही समझने की। अगर 5/12 -3/8 लिखा है, अगर मैं 8 को 12 बना देता हूँ, या तो आप एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या डिनोमिनेटर सेम बनाइए। अगर मैं 8 को 12 बनाता हूँ तो 1.5 से गुणा करना पड़ेगा, 1.5 से आप इसे गुणा करेंगे तो 1.5 से इसे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली चीज आप देखते हैं, 5 में से 4.5 गया, बचा आधा, 0.5/12 यानी 1/24 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 1/24। देखिए या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, 5 × 8 = 40, 12 × 3 = 36, तो 5 × 8 = 40, 12 × 3 = 36 यानी 4/4/96 यानी 1/24, तो 1/24 आपका आंसर हो जाएगा। इसका बताइए कितना आएगा। जल्दी बताना है,
बहुत अच्छे, देखिए जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप। बस कोशिश कीजिए कि पेन नहीं लगाना, जैसा आपको बताया गया सीधा वैसे ही करना है, डायरेक्ट ही देखते हैं। देखिए अगर मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर देता हूँ, 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4 यानी हाफ हो गया, 2, 3, 5 और 1, 6 यानी 6.5 हो गया, तो 6.5 यानी डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही मार्क करूंगा। तो कोशिश करिए, जैसे आपको इंस्पेक्टर चालीसा दी गई है, ठीक है, आप सभी को पीडीएफ की फॉर्मेशन में वो सब आप डेली बेसिस पे लगाइए, सारा उसी का ही पार्ट है, पर करना किस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट बैठना है, सामने स्क्रीन पर देखना है और सीधा आंसर मार्क करना है। इसके ऊपर वाले का आंसर बताइए क्या आएगा। पहला क्वेश्चन हटा दिया मैंने, वो सिंपल ही था बिल्कुल, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। 1/6, 7/12, 2/3। कोशिश करिए कि लाइव पे जैसे देख रहे हैं आप, सामने देखते देखते आपका सीधा आंसर आए। हड्डी आएगा, देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं, मैं आप ही के सामने परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि चीजों को परफॉर्म किस तरीके से करना है। जब तक बेस अच्छा नहीं है, इन चीजों पे काम नहीं किया, पेपर में जब भी करेंगे ऐसी चीजें सॉल्व करने के लिए पेन लगाना पड़ेगा। 12 अगर मैं ले लेता हूँ, 12 ही बना देता हूँ सबको, तो पहले वाले में 2 से गुणा यानी 2 हो गया, 7 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 2, 7, 9 और 8, 13, 9 और 8, 17, 17/12 यानी 1 सही 5/12, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 12 मैं बनाता हूँ अगर इसे, तो 2 से 2, 7, 9, इसे 4 से 8, 9 और 8, 17, तो 17/12 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखिए आगे भी आपको परफॉर्म करना है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आगे लिखता हूं मैं, लेकिन सबकी वैल्यू आपको बतानी है और मैं इंडिविजुअली पॉइंट करूंगा कि आपको ये बताना है पहले, फिर आप उसका वैल्यू बताएंगे। आइए देखते हैं, देखिए सबसे पहले वैल्यू बताना है आपको इसका, तुरंत बताना है। देखिए जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से,
लाइव सेशन स्पेशली है इसीलिए कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, कंटेंट आपको आता है पूरा। बताइए इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, देखिए सही बता रहे हैं, बिल्कुल सभी ने सही बताया है। हाँ डायरेक्ट देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं 5 7 35 और 8 3 24, जैसे मैंने बताया पहले केवल ऊपर वाले पे ध्यान देखना है, 35 में से 24 जाएगा 11 और नीचे बचेगा केवल 40, तो 11/40 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज को हम देखेंगे आगे कोर्स में किस तरीके से फायदा होगा इन सब चीजों को करने का, पर जब तक ये टिप्स पे नहीं होंगे, अगर आप पेन यूज करते हैं इसके लिए तो दिक्कत ही रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट बताइए ये वाला। हाँ नेक्स्ट बताना है आपको। बिल्कुल सही, देखिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग सारे हम अभी अभी करेंगे, तो कोशिश करिए अपना आंसर बिल्कुल ठीक बताने की। बहुत बढ़िया, आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं, देखिए परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देंगे तो केवल चीजें आएंगी पेपर नहीं निकलेगा, छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे परफॉर्म करके आपका सिलेक्शन होता है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, जैसे कि आपको बताया गया कि भाई इंटीजर वाला पार्ट अलग रख लो और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग रख लो, अब अगर आप देखते हैं 1/2 + 5/6, 1/2 + 5/6 मैं देखता हूँ, अगर मैं इसे 6 बनाता हूँ तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3/6 + 5/6 यानी 8/6, 8/6 का मतलब हो गया 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 मतलब 1/3 तो आखिरी में बचेगा, आखिरी में 1/3 मेरे को बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं प्लस भी करता हूँ तो भी निकाल सकता हूँ, 76 11 87, ठीक है, और एक हो गया 88, 88 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप केवल फ्रैक्शन वाले पार्ट पे काम कर लेते हैं तो ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट सभी का अलग अलग है, तो मार्क करने का तरीका इसके अंदर ये रहेगा। आगे देखते हैं इसका आंसर बताइए। देखिए पेन फ्री शुरुआत यही है, पेन फ्री अगर करना है बेस लेवल को पेन फ्री, फिर क्वेश्चंस को पेन फ्री, फिर डायग्राम्स को पेन फ्री, धीरे धीरे करके सब चीजों पे जाएंगे। 1/3 / 2/7, बिल्कुल जल्दी बताना है। हाँ बी आंसर आएगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे आप सब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ देखिए जैसे कि आपको बताया गया है, अगर डिवीजन हो तो क्रॉस चलता है, नीचे वाला यहाँ वाला इधर से गुणा होता है, ये वाला उधर से गुणा होता है, तो आपने देखा ऊपर मिलेगा 7 और नीचे मिलेगा 6, 7/6 यानी बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 सही 1/6, क्योंकि 6 केवल एक ही में है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहले की, ये बताइए कितना आएगा? पहला बताना है आपको 56 3/8 माइनस 10 सही 5/6, बहुत बढ़िया। देखिए पेन को छोड़ना है, केवल स्क्रीन देखनी है और आंसर करना है, केवल इसी चीज की प्रैक्टिस है। देखिए सिलेक्शन वाले में और नई सिलेक्शन वाले में केवल इसी चीज का फर्क है कि वो हर चीज
बना बना के कर रहा है वो, इसमें काफी सारी चीजें जो अवॉइड हो सकती हैं वो मैन्युअली दिमाग में कर रहा है। हाँ देखिए, अगर देखते हैं हम, अगर केवल इंटीजर फ्रैक्शन वाला पार्ट देखें, ठीक है, अगर केवल फ्रैक्शन वाला पार्ट देखते हैं तो ये आ गया 3/8 और 5/6, जिसे आप सॉल्व करते हैं 18 माइनस 40। 18 माइनस 40 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा -22, तो -22/40 आ जाएगा। -22/40 का मतलब है 11/20, ठीक है, तो 11/20 आ जाएगा। 18 माइनस 40, 18 माइनस 40 हो गया -22, और नीचे है 48, तो -22/48 यानी -11/24। -11/24 यानी एक में से अगर 11/24 घटाएंगे तो 13/24 मिलेगा। तो 13/24 मैं देखता हूँ केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है मेरा जिसमें 13/24 आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा सीधा मार्क हो जाएगा। तो कई बार आपको इन चीजों पे भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आंसर मार्क करता हूँ, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे कैलकुलेट करके आंसर लग सकता है? कैलकुलेशन तो मेरी है ही अच्छी, देखिए कैलकुलेशन तो मैं अच्छी तरीके से कर ही रहा हूँ, साथ के साथ ये भी देख रहा हूँ कि जरूरत कितनी है लिखने की, जितनी जरूरत है केवल उतना ही लिखना है। ऐसे अगले में देखेंगे, अगर मैं इस पे आता हूँ, ये बताइए क्या होगा? जल्दी बताना है ए। देखिए जैसा कि आपको बताया गया है कि भाई डिवाइड अगर है, अगर डिवाइड है तो क्रॉस करिए बस, 3 × 5 और 1 × 10, तो 3/ आपको देखते हैं 2 आ जाएगा, 3/2 आप देखते हैं यानी डेढ़, डेढ़ आपको मिल रहा है किसमें, ए ऑप्शन में। डिवाइड अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15/10, जो कि 3/2 और माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आपने सभी ने सही जवाब दिया है, अब इसका बताइए कितना आएगा? देखिए ध्यान से आंसर करिएगा, इसके अंदर ये माइनस साइन इसके साथ है, ओनली वन के साथ, यानी इसका मतलब है वन के साथ माइनस है और 2/5 प्लस में है, ये 2/5 है। देखिए लाइव सेशन जितने भी रखे जाएंगे वो सारे इसलिए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंटेंट तो मैं क्लास में करा ही रहा हूँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से आंसर करना है, देखिए क्या आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, इसका मतलब है 4 + 3/5 -1 + 2/5, ये मतलब हो गया इसका। अगर आप देखते हैं चार में, पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट देखते हैं, 3/5 और 2/5 यानी 5/5 यानी 1, 1 और 1 कट जाएगा बचेगा 4, यानी बी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आप सारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोशिश करिए यही सब चीजें आगे भी जारी रखने की, आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाते रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको, पर एट द मोमेंट करना है जिसपे मैं पॉइंट लगाऊंगा।
लाइव सेशन का केवल यही फायदा है देखिए कि आपको इनको इस तरीके से ही समझना है जैसे बताया जा रहा है। पेन बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए मैंने लिख दिए हैं सारे, अब मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ा दी हमने और डिवीजन भी बढ़ा दिया और एडिशन भी बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रेन को एक बार आदत हो गई हल्की चीज की, थोड़ा सा ऊपर लेवल की चीज अडेप्ट करेंगे, फिर और ऊपर लेवल की, और फिर यही देखेंगे कि चैप्टर वाइज में हम जो सोल्यूशन करते हैं, जब मैं बोलूंगा कि भाई ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने ये इस तरीके से पढ़ रखा है। आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं पूछता हूँ, ये वाला आपको बताना है। हाँ ये बताइए, बी 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 हाँ बी आएगा, देखिए बिल्कुल सही। हाँ जिसने भी जवाब दिया देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। डायरेक्ट देखेंगे जब आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से। अगर आप चार देख रहे हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि चार चार से सीधा कट जाएगा, तो यानी आंसर डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे। अगर आप देखते हैं 4 3 12 3 15, 15/5 यानी 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सभी ने, अब इसका आंसर बताइए। जल्दी बताना है, डी बी। हाँ देखिए अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब आपने चीजें आसान कर ली, अब थोड़ा और बढ़िए और बढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चनों में चीजें किस तरीके से हो रही हैं। हाँ देखिए आप में मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर ही बताया। अगर आप देखते हैं डिवीजन में आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर डिवीजन है तो क्रॉस में जाता है हमेशा, अगर आप क्रॉस में ऊपर वाला देखते हैं 2 एकम 2 और 1 3 13 3 39, और नीचे अगर देखते हैं 13 एकम 13 और 5 18, 18 दूनी 36, तो ये 13/12 आ जाएगा, 13/12 आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये लिखा मैंने केवल आपके लिए जिससे आपको पार्ट समझ आ जाए, वैसे लिखना नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। ये वाला बताइए कितना आएगा। जल्दी बताइए, देखिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है, जल्दी जल्दी बताना है। कोशिश करिए, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं बिल्कुल।
हाँ बहुत बढ़िया, बी आपने सबने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। देखिए जैसे कि हमेशा की तरह हम करते हैं, डिवीजन में क्रॉस होता है, यानी ऊपर 7 जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देखते हैं, अगर ये ऊपर 7 आ गया, नीचे आप देखते हैं 4 दुनी 8 और 1 9, 9 × 7, और नीचे है 4 × 18, 9 × 7, 4 × 18, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं। 9 × 7, 4 × 18, 9 × 2 = 18, 7/8, 7/8 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट कोशिश करना है, इसका बताइए कितना आएगा। बिल्कुल डायरेक्ट कोशिश करना है आपको। बहुत बढ़िया, एट्टी एट्टी एट्टी, वेरी गुड। आप में से जितने ही बच्चों ने 80 दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको समझाया गया, आज की क्लास शुरू होते वक्त, आज का सेशन शुरू होते वक्त ही बताया था, सबसे पहले इस पे फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। अगर ये 9 है, ये भी आप 9 बना सकते हैं 3 से गुणा करके, तो 6 और 3 9, 9/9 यानी 1, तो 43 और 1 44 और 36 80, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला बताइए, डायरेक्ट करना है, देखिए तुरंत आंसर निकलना चाहिए, बिल्कुल तुरंत। 5 सही 6/7, देखिए एडिशन नहीं है, माइनस है बीच के अंदर, ध्यान से चेक करिए। हाँ 5 सही 4/7, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, 5/7 − 1/7, 4/7। देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग आपको इस हिसाब से ही लगाना है बिल्कुल। तो 20 में से 15 किया, 5 बच गया मेरे पास, 5/7 − 1/7, 4/7। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 5 सही 4/7। अदरवाइज आपको ये भी बताया गया है कि भाई चारों ऑप्शन अगर आप देखते हैं, चारों ऑप्शन में आप देखते हैं जो अलग वाला पार्ट है वो केवल फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो केवल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 1 गया 4, 4/7 जिसमें होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। कई बार इसके अंदर हम लास्ट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। आगे देखते हैं, ये वाला बताइए, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं बिल्कुल। हाँ देखिए बिल्कुल सही, जैसे कि आप इसे अंदर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट में 35 आना चाहिए, और 35 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो वो सीधा ही आंसर हो जाएगा आपका, ये 35 आ रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला दो सही 1/3, 1 सही 1/14, 5 1 सही 4/5। ध्यान से करना है बिल्कुल। डी, 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 बहुत अच्छे, देखिए बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए स्पीड ऐसे ही बनेगा, मैं आपकी स्पीड डेफिनेट बढ़ा के रहूंगा अगर आप साथ साथ चलते रहते हैं तो। जितने भी लाइव सेशंस हैं सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, दोबारा से देखिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए, पर बिना पेन के देखिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट आपको खुद महसूस होगा। अगर आप देखते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं देखता हूँ, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाला,
ऊपर वाला देखता हूँ मैं, पहले में आएगा 7, दूसरे में आएगा 15, तीसरे में आएगा 9, 7 15 9 ऊपर लिखा है, 5 3 15 नीचे, 15 से 15 कट गया, 7 × 9 ऊपर लिखा है नीचे 14, 7 से 14 कटेगा बचेगा 2, 9/2 यानी 4.5, तो 4.5 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको ये लगा ना कि मेरे को पेन यूज करने की जरूरत पड़ी है, तो आप दोबारा से ऐसा करिए कि वीडियो को देखते वक्त पॉज कर करके ये सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, और आपको ये समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन किस हिसाब से रखनी है आपको। आगे लिखते हैं, और देखिए ये सारी चीजें एक एक करके हम करेंगे, और आपको ध्यान रखना है, देखिए ये सारा पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए जो आपको इंस्पेक्टर 40 मिला है, जो भी बच्चे लाइव क्लासेस में इनरोलमेंट है उन सबको इंस्पेक्टर 40 आपको दे रखा है, ठीक है, आप कोशिश करिए उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की, क्योंकि उसी से आपका दिमाग शार्प होगा और वही चीज आपके सिलेक्शन में बहुत काम आएगी। अगर देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो आपको बताना है ये वाला, ये बताइए। जल्दी से बताना है, देखिए 7 3/5 डिवाइड बाय 1/4, सी बहुत बढ़िया, देखिए बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही, सी आएगा, देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक चीज देखने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से अगर आप देखते हैं कि चारों ऑप्शन के अंदर, देखिए ऑप्शन का जो देखना है ना वो इस नजरिए से ही बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे लाइव सेशन होते रहेंगे। आप अगर ध्यान से देखते हैं, आपको एक बात बताई गई कि भाई डिवाइड के अंदर ना क्रॉस आपको करना होता है, तो आप देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, और डिनोमिनेटर में देखता हूँ केवल 5 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन मेरा डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी देखिए काफी सारी चीजें आगे जाएंगी, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, उन सब पे भी काम करेंगे। ऐसे ऊपर वाले को देखते हैं, देखिए इसको आपको देखना है 1 1/2 डिवाइड बाय 2 1/4, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। जल्दी से
ए वेरी गुड, ए बहुत अच्छे। देखिए हमेशा कोशिश करिए ईमानदारी से, जब भी मैं सेशन लेता हूँ कि पेन थोड़ा रख कर केवल स्क्रीन की तरफ देखना है, जैसे मैं भी अभी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा हूँ। आप देखिए मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन हमेशा बरकरार रहे, अच्छी रहे। तो स्क्रीन पे देखना मेरा बेस्ट फेवरेट पार्ट है कि भाई स्क्रीन पे देखते देखते अगर आंसर मार करो तो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि उसके लिए हम होमवर्क भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आपने देखा ध्यान से, देखिए अगर ध्यान से एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, इसके अंदर देख सकते हैं ऊपर लिखा है 1.5 और नीचे लिखा है 2, तो आंसर जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा। तो केवल यही ऑप्शन है, ऐसा ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें भी देखिए क्लिक करेंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3 चौक 12, और ये आ गया 2/9 18, 12/18 यानी 2/3। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसको बताइए कितना आएगा। डायरेक्ट करना देखिए बिल्कुल साथ साथ करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा साथ साथ करना बिल्कुल। हाँ देखिए बहुत बढ़िया, आप में से काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 35। आप देखते हैं सी ऑप्शन, देखिए आप देखते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में 35 आएगा, तो 35 वाला पार्ट तो केवल सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना गुणा गणित लगाने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए साथ के साथ ना हम ये भी चीज देख रहे हैं कि आंसर जल्दी मार्क कैसे किए जाए, तो इन चीजों का मैं रोल दिखाऊंगा कि आगे आप कहाँ कहाँ रोल देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते, आप काफी सारी यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोज देख चुके हैं, उन सब में मैंने बताया कि पेन फ्री हैबिट, तो पेन फ्री हैबिट के लिए होमवर्क करना पड़ता है, और ये वो होमवर्क है। सॉल्व भी आप कर सकते हैं, देखिए 9 और 4 13, 5 3 15 और 14 29, 29/13 और 13, 13/29/35, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं ये वाला। हाँ ये बताइए क्या आंसर आएगा। सी ऑप्शन, वेट देखते हैं। ए ए ए ए ए देखिए अगर ध्यान से आप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक भी आपको बहुत सारी चीज बताई गई, आप कुछ एक चीज आपने देखने सीख गए। अगर मैं देखता हूँ पहले का ऊपर वाला 6 3 18 और 5 23, दूसरे का 4 3 12 और 2 14, 23 × 14/18, 14 में 2 आ रहा है, 18 में भी 2 आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में आपको 9 मिलेगा। तो आप देखते हैं डिनोमिनेटर में 9 किसमें है, इसमें है। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम आगे भी बहुत सारी जगह लगाएंगे। पूरी कैलकुलेशन मैं जानता हूँ, कैलकुलेशन पूरी भी कर सकता हूँ और ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ये बताइए। ए देखिए आप तरीका समझ गए होंगे कि अब इसके अंदर आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, ये आंसर ही आएगा बिल्कुल। अगर हम देखते हैं ध्यान से,
हाँ देखिए, अगर आप देखते हैं जैसे कि चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि चारों में ये वाला पार्ट अलग अलग है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए केवल इसी पे ही काम कर लिया जाए। 6 दूनी 12 -9 3, 3/54 यानी 1/18, 1/18 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखना है और सीधा आंसर मार्क करना है। आज पूरा सेशन ऐसे ही चला है, देखिए डिटेल में कुछ भी नहीं है, और हमेशा ही लाइव सेशन ऐसे ही रहता है, और वैसे ही करना चाहिए आपको भी कि लिखना कुछ नहीं है और डायरेक्ट ही आंसर मार्क करना है। ऐसे ही अगले पे आता हूँ मैं, इस वाले का बताइए क्या आएगा। फोकस रखना है पूरा स्क्रीन पर ही। दो बटे तीन, 5/12, जल्दी। ADD DA। देखिए भाई सीख जाना चाहिए, अब तक तो मैं बहुत सारे हिंट दे चुका हूं, और आगे इन चीजों को बहुत अच्छे स्केल पे काम करना है, तो अभी बिल्कुल पकड़ के रखना है। जिसको वीडियो में दिक्कत रहा है अभी तक, लाइव सेशन में दोबारा से देखिए, 10 बार देखिए, पर काम यही करना है और डेली बेसिस पे करना है। आपने देखा 2/3 5/12, तो 5 तो नीचे आएगा ही आएगा, 5 नीचे किसमें, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा गणित नहीं लगाना है, सीधा आंसर मार्क करना है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ कैलकुलेशन भी अच्छा होना जरूरी है। 12 दूनी 24, 5 3 15, 24/15 यानी 8/5, 8/5 यानी पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं परसेंटेज और डेसिमल का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, जिस पर हमें काम करना है, और वो भी हमें फास्ट से फास्ट तरीके से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अपना ख्याल रखिए, और देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करते रहिए, चीजों को बारीकी से समझना है, स्क्रीन पर देख के आंसर करना है, बार बार रिपीट कर करके, पॉज कर करके देखिए, फायदेमंद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे।